हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है साक्ष्यों की परीक्षा करना। इस परीक्षा के अंतर्गत हम एग्जामिनेशन इन चीफ पढ़ेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ेंगे और री एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। चीफ एग्जामिनेशन को मुख्य परीक्षा कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन को प्रति परीक्षा कहते हैं और री एग्जामिनेशन को पुनः परीक्षा कहते हैं। ये हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 60 है। जो हमारा टॉपिक है वो प्री में तो बहुत आता है और मेंस में भी शॉर्ट नोट के रूप में या किसी अन्य प्रकार से भी 5-6 बार पूछा जा चुका है। तो टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। कुछ ऐसी चीजें भी होंगी आज के लेक्चर में जो हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे अच्छे से। तो जो ऐसे टर्म मिले तो आप घबराइएगा नहीं, जनरल वे में समझ लीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आधुनिक जो न्याय प्रणाली है, जो जुडिशियल सिस्टम है, इस जुडिशियल सिस्टम में विटनेस और एविडेंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी कि कोई भी पार्टी यदि केस को स्थापित करना चाहती है तो वो विटनेस को बुलाती है और विटनेस एविडेंस बोलता है। जो विटनेस है वो साक्ष्य देता है और साक्ष्य की सहायता से केस का डिस्पोजल किया जा सकता है। तो जो विटनेस आते हैं कोर्ट में तो उनकी परीक्षा होती है, और परीक्षा की बात करें तो मुख्य रूप से 3 परीक्षा होती है विटनेस की। यानी कि कोई भी विटनेस केस के संबंध में कुछ एविडेंस देने आता है तो उसकी 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 परीक्षाएं होती हैं? नंबर 1 चीफ, मुख्य परीक्षा, नंबर 2 क्रॉस यानी कि प्रति परीक्षा, और नंबर 3 री एग्जामिनेशन यानी कि पुनः परीक्षा। और इन तीनों को वैसे मेन रूप से सेक्शन 137 और 138 में बताया गया है, पर इसके साथ हम बहुत सारे सेक्शन भी इससे कोरिलेटेड हैं, उनको भी समझेंगे। सेक्शन 137 में मुख्य परीक्षा क्या है और क्रॉस क्या है और री एग्जामिनेशन क्या है उसको बताया गया है, और सेक्शन 138 में इनके क्रम को बताया गया है। तो सेक्शन 137 की बस हेडिंग है एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, और 138 में जो हेडिंग है वो क्रम लिखा हुआ है, ऑर्डर। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप एक जनरल वे में समझिए, सपोज फॉर मेरा कोई केस चल रहा है या फिर मैं एडवोकेट हूं किसी की तरफ से, तो अब यहां पर एक पार्टी मैं होऊंगा और दूसरा जो एडवोकेट होगा या पार्टी होगी वो दूसरी तरफ से होगी। यानी कि 2 पार्टी होंगी और 2 एडवोकेट होंगे। तो उस स्थिति में यदि मुझे अपना केस प्रूव करना है या फिर जजमेंट मेरे फेवर में मुझे लाना है तो मैं क्या करूंगा, एविडेंसेस को, विटनेस को लेके आऊंगा। तो मैंने जो विटनेस लेके आ रहा हूं, क्यों लेके आ रहा हूं, मैं इसलिए लेके आ रहा हूं विटनेस को कि वो विटनेस मेरे केस के फेवर में बोले और सारी बात जो भी मेरे फेवर है वो सारी बातें कोर्ट में बता दें, और जिससे कि जो कोर्ट है मेरे फेवर वो डिसीजन दे दे। तो जो मैंने जो विटनेस बुलाया था तो उससे मैं एविडेंस दिलवाऊंगा, उससे जो एविडेंस दिलवाऊंगा इसको हम बोलते हैं चीफ एग्जामिनेशन। यानी कि जो विटनेस मैंने बुलाया फिर मैं उसकी परीक्षा करता हूं कोर्ट में, यानी कि उससे एविडेंस दिलवाता हूं कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा, चीफ एग्जामिनेशन। अब मैंने जब उस विटनेस की जब परीक्षा कर ली फिर विरोधी पक्षकार मेरे ही विटनेस से प्रश्न पूछेगा, तो इसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके पश्चात यदि आवश्यकता मुझे लगती है तो फिर मैं अपने ही विटनेस से दोबारा फिर परीक्षा कर सकता हूं, तो इसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। नाम से भी क्लियर हो रहा है, चीफ यानी कि सबसे पहले मैं कर रहा हूं, क्रॉस मेरे बात फिर विरोधी पक्षकार करेगा, री यानी कि पुनः परीक्षा मैं ही कर रहा हूं दोबारा से अपने ही विटनेस की। तो देखते हैं सेक्शन इन दोनों में या अन्य सेक्शन में क्या लिखा है इसके संबंध में। तो सेक्शन 137 बस इतनी सी बात करता है, ये बोलता है मैंने जो टेबल बनाई वो टेबल के हिसाब से आपसे समझिएगा, और इसमें अंतर भी हो जाएंगे और हम ये भी जान लेंगे कि इन परीक्षाओं का उद्देश्य क्या है और इन परीक्षाओं का सीमा क्या है, क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, और इस परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन से नहीं पूछे जा सकते, अर्थात इसकी लिमिट क्या है। तो जो पहला है सेक्शन 137 वो बस इतना बता रहा है कि ये होता क्या है और कौन पार्टी उसकी एग्जामिनेशन करता है। तो सेक्शन 137 का जो फर्स्ट है एग्जामिनेशन चीफ कौन करता है, यानी कि मुख्य परीक्षा कौन करता है, तो इसमें लिखा है बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, यानी कि वह पक्षकार मुख्य परीक्षा करता है जो उसे बुलाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, वह पक्षकार करता है,
जो क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा एडवर्स पार्टी यानी कि विरोधी पक्षकार करता है, और री एग्जामिनेशन कौन करता है, वह पक्षकार करता है जो विटनेस को जिसने बुलाया था, यानी कि मैं ही करूंगा। तो ये आपका सेक्शन 137 था, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 138 की। 138 में क्रम के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले किसका क्रम होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले मुख्य परीक्षा होगी, मेरे बाद जब विरोधी पक्षकार पूछेगा यानी कि सेकंड नंबर पर क्रॉस होगी, और क्रॉस के बाद यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे दोबारा परीक्षा करनी चाहिए तो री एग्जामिनेशन थर्ड नंबर पर होती है, यानी कि सबसे पहले चीफ होता है, फिर क्रॉस होता है, फिर री होता है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है सारी परीक्षाओं का। तो चीफ जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन चीफ जो विटनेस का कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य होगा। जैसे कि आप जानते हैं विटनेस मैंने बुलाया है, तो अब यानी कहीं ना कहीं वो मेरे फेवर में चीज होंगी, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि चीफ एग्जामिनेशन का उद्देश्य होता है कि जो भी विटनेस उस केस के संदर्भ में जो कुछ भी तथ्य जानता है वो सारे फैक्ट आकर के कोर्ट में आकर के सारी बात बता दे, जिससे कि केस का डिस्पोजल हो सके, जिससे कि जिस पक्षकार ने बुलाया है उसके बातों को साबित किया जा सके, यानी कि वो अपनी बात को साबित कर सके। तो ये चीफ एग्जामिनेशन का उद्देश्य हो गया टू इलिसिट द फैक्ट्स विच इज इन द नॉलेज ऑफ द विटनेस, टू डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ द केस एंड टू प्रूव द केस। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं, जितने भी फैक्ट है जो उसकी नॉलेज में, उसको डिस्क्लोज किया जाता है और केस का डिस्पोजल किया जा सकता है और मैं अपनी केस को प्रूव कर सकता हूं। तो ये चीफ एग्जामिनेशन का उद्देश्य हो गया। अब हम बात करें कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या क्या उद्देश्य होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य जो होता है, प्रोफेसर विगमोर ने कहा था कि इट इज अ ग्रेटेस्ट लीगल इंजन। ये क्या है, एक ग्रेटेस्ट लीगल इंजन है। हिंदी की मैं बात करूं तो सत्य को खोज करने के लिए आविष्कृत किया गया महानतम विधिक इंजन है। तो ये क्या है, एक महानतम विधिक इंजन है, किसके लिए, सत्यवाद का पता लगाने के लिए। तो देन वी कैन से दैट इट इज अ ग्रेटेस्ट लीगल इंजन फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ट्रुथ, यानी कि सत्यवाद का पता लगाने के लिए महानतम विधिक इंजन है। जो प्रति परीक्षा है यह सत्य चीज का, सत्य तक पहुंचने का एक सरल प्रक्रिया है, एक सरल क्रिया है। यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसा मैनर है, एक ऐसा मोड है जिससे कि हम उस मामले की तह तक जा सकते हैं, सत्य बात का पता लगा सकते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन साथ में आपका चीफ एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी कोर्ट में इनकी क्रॉस किया जाए या चीफ किया जाए तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस के साथ, होमवर्क के साथ तब करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया, पहला उद्देश्य बताया टू डिस्कवर द ट्रुथ, सत्यवाद का पता लगाना, और टू टेस्ट द वेरिसिटी ऑफ विटनेस, यानी कि विटनेस की वेरिसिटी को चेक करना, टू इम्पीच द एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी एंड जनरल वैल्यू ऑफ एविडेंस ऑफ विटनेस। और उसके साथ साथ क्या करते हैं हम, जो विटनेस जो मेरे फेवर में बोल रहा था उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिससे उसकी सत्यवादिता को, उसकी विश्वसनीयता को परखा जाए, जांचा जाए, क्योंकि वो विटनेस मैंने बुलाया था, मेरे फेवर में बोलेगा। तो एडवर्स पार्टी ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हो सकता है वो जानता ही ना हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, मनगढ़ंत कहानी कर रहा हो, तो उसकी विश्वसनीयता को चेक किया जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से कि वो जो एविडेंस है वो विश्वसनीय है या नहीं, सत्य बात बोल रहा है नहीं बोल रहा, तो उसकी विश्वसनीयता को चेक किया जाता है, सत्य चीज का पता लगाया जाता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कुछ बातों को छुपाए हुए हो, छुपा रखी हो, कुछ बात उसने चीफ में बोल दी पर सारी बात नहीं बताई, तो जो छुपे हुए तथ्य है, जो हिडन फैक्ट है, उनको भी डिस्क्लोज करना है। तो क्या उद्देश्य हो गया, नंबर वन टू फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, नंबर टू टू टेस्ट द वेरिसिटी ऑफ विटनेस, नंबर थ्री
टू डिस्क्लोज द हिडन फैक्ट, हिडन फैक्ट को पता लगाना। नंबर चार, टू इम्पीच द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, यानी कि विटनेस की क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता को परखना, जांचना। और टू वीकन और डिस्ट्रॉय द अपोनेंट केस। और क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य ये भी होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जिससे कि विरोधी पक्षकार का केस कमजोर हो जाए, यानी कि चीफ जिसने किया था ऐसे क्रॉस में पूछो कि चीफ का महत्व ही खत्म हो जाए, और वो ऐसी चीज उससे पूछ ली जाए कि वो अपोनेंट के, यानी कि जो क्रॉस कर रहा है उसके फेवर की हो। तो ये हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया। अब हम बात करें री एग्जामिनेशन का उद्देश्य क्या है। तो जो री एग्जामिनेशन है इसका उद्देश्य है, चूंकि देखो चीफ के बाद क्रॉस हो रहा है, तो री इसलिए करते हैं री एग्जामिनेशन कि हो सकता है क्रॉस में उस विटनेस ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो कहीं ना कहीं असंगत है, यानी कि कुछ असंदिग्धता, असंगतता या कुछ कंफ्यूजन वाले कुछ पॉइंट आ गए हैं, यानी कि क्रॉस में कुछ ऐसी बातें पूछ ली विरोधी पक्षकार ने कि वो केस में कुछ असंगतता यानी क्लियरिटी नहीं हो रही है। तो फिर जिस पक्षकार ने उस विटनेस को बुलाया था, वो फिर उस पक्षकार से, वो अपने एविडेंस से, विटनेस से, उस विटनेस से ऐसी क्वेश्चन पूछेगा कि जो असंगतता उत्पन्न हो गई थी क्रॉस के दौरान, जिससे कि वो असंगतता खत्म हो जाए और स्थिति को क्लियर किया जा सके। नंबर वन उद्देश्य है टू रिमूव और टू एक्सप्लेन द इनकंसिस्टेंसीज विच वॉज रेज ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी असंगतता उत्पन्न हो गई थी, तो उस असंगतता को दूर करना, उन्हें एक्सप्लेन करना। और दूसरा उद्देश्य क्या है, टू फिल द गैप्स बाय रेजिंग क्वेश्चन विच वॉज नॉट आस्क्ड इन चीफ एग्जामिनेशन, यानी कि जब चीफ कर रहे थे तो हो सकता है कुछ बातें नहीं पूछ पाए हो, तो उस कंडीशन में कोर्ट की अनुमति से उससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया री एग्जामिनेशन का उद्देश्य। अब हम आते हैं कि इनके वन बाय वन कि अब इनके चीफ एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर री एग्जामिनेशन के संबंध में अन्य रूल क्या हैं, या इनका स्कोप क्या है, या कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो रूल है, ये जो चीफ एग्जामिनेशन है वो सुसंगत बातों तक सीमित होना चाहिए, यानी कि कोई भी बात नहीं पूछ सकते, जो चीफ में आप पूछ रहे हैं वो सुसंगत बात होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, टू डिस्क्लोज द फैक्ट नॉट ओपिनियन, यहां पर जो भी विटनेस बोलेगा चीफ में उस तथ्य के बारे में बताएगा जो उसे जानता है, अपनी राय के बारे में कुछ नहीं बताएगा, यानी कि जो विटनेस उस केस के संबंध में जो भी तथ्य जानता है उसके बारे में बोलेगा। तो दूसरा क्या प्रश्न हो गया, डिस्क्लोज द फैक्ट नॉट ओपिनियन। तीसरा पॉइंट, नो लीडिंग क्वेश्चन, चीफ एग्जामिनेशन में कोई भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सूचक प्रश्न नहीं पूछ सकते। सूचक प्रश्न क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आंसर छुपा रहता है, हम सूचक प्रश्नों को बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, आपका नाम राम है ना, आप शाम को उस दिल्ली में थे ना, यानी कि ऐसे प्रश्न पूछना जिसमें आंसर छुपे हो। तो नंबर जो तीसरा पॉइंट बताया कि चीफ एग्जामिनेशन में सामान्यतया सूचक प्रश्न नहीं पूछते, परंतु यदि कोर्ट ने अनुमति दे दी है तो सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नो लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एक्सेप्ट परमिशन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट हम बात करें, द क्रेडिट ऑफ विटनेस कैन नॉट बी इम्पीच्ड, यानी कि सामान्यतया जो मुख्य परीक्षा हो रही है उसमें अपने ही साक्षी से उसकी विश्वसनीयता को चेक करने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते, यानी कि मैं अपने विटनेस को बुला रहा हूं तो मैं ही तो उसकी विश्वसनीयता चेक करूं, सामान्यतः नहीं पूछे जा सकते। परंतु परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वो विटनेस मैंने बुलाया था और वो मेरे फेवर में ही नहीं बोल रहा है, वो सत्य बात ही नहीं बोल रहा है, अपोनेंट के फेवर में बोल रहा है, विरोधी पक्षकार के फेवर में बोल रहा है, तो वहां पर मैं, यानी कि जिसने बुलाया था, उस विटनेस से न्यायालय की अनुमति से उसकी विश्वसनीयता को चेक करने वाले प्रश्न भी पूछ सकता हूं, सामान्यतः नहीं पूछ सकता। तो ये इसमें यही बताया है, द क्रेडिट ऑफ विटनेस कैन नॉट बी इम्पीच्ड इन चीफ एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन में सामान्यतः इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक नहीं कर सकते,
एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, ये सेक्शन 155 में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन ऑफ कॉर्बोरेटिंग नेचर, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो संपुष्टि कारक हो, यानी कि जो संपुष्ट करने की प्रकृति कुछ प्रश्न ऐसे रखते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो संपुष्टि की प्रकृति वाले हो उनको भी पूछा जा सकता है, ये सेक्शन 156। तो हमने सेक्शन चीफ एग्जामिनेशन में हमने पढ़ लिया कैसे इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसके संबंधित में अन्य रूल क्या है। अब हम बात करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के संबंध में रूल क्या है, कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्रॉस एग्जामिनेशन की पहली चीज कि क्रॉस एग्जामिनेशन भी सुसंगत तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए, आप कोई भी बात नहीं पूछ सकते, असंगत विसंगत कोई भी बात नहीं पूछ सकते, सुसंगत बात पूछेंगे। और सुसंगत कौन सी है, सुसंगत वही एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 से लेकर 55 से संबंधित बातें आप पूछ सकते हो। दूसरा पॉइंट जो क्रॉस में पूछ रहे हैं, अब प्रश्न ये है कि वही बात पूछेंगे जो चीफ एग्जामिनेशन में विटनेस ने एविडेंस में बोली थी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। यानी कि क्रॉस में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो चीफ एग्जामिनेशन में विटनेस ने पूछी थी बोली थी, हम उससे जो चीफ में बोला था उससे संबंधित भी पूछ सकते हैं, और जो चीफ में नहीं बोला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि रेलिवेंट है, इस केस से कनेक्टेड है, उसके बारे में भी उस विटनेस से पूछा जा सकता है। तो नंबर 2 आपका पॉइंट हो गया। तीसरे की हम बात करें, क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, लीडिंग क्वेश्चन चीफ में नहीं पूछे जाते सामान्यतया, परंतु क्रॉस एग्जामिनेशन में सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन 143। नेक्स्ट हम बात करें, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, यानी कि कोई विटनेस ने कोई पहले कोई स्टेटमेंट रिटिन में कर दिया था, तो उस रिटिन स्टेटमेंट के बारे में भी उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, ये है सेक्शन 145। यानी कि उस साक्षी ने कोई पहले कुछ लिखित में कुछ कर दिया था, कुछ कह दिया था, तो उसके बारे में भी हम उससे क्रॉस कर सकते हैं कि भाई उसने वो कहा था, यानी कि उसकी कहीं ना कहीं उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट की हम बात करें, क्वेश्चन विच टेंड, सेक्शन 146 में बताया गया है कि हम अपने साक्षी से ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं टू टेस्ट द वेरिसिटी ऑफ विटनेस, जो उस विटनेस की सत्यवादता को परखे। यानी कि सेक्शन 146 में 3 पॉइंट बताए गए, आप बेरेक्ट में देख लीजिएगा। तो नंबर 1, अपने विटनेस से उसकी सत्य, अपने विटनेस से दूसरा विटनेस क्रॉस करे तो दूसरे का विटनेस होगा, तो उस विटनेस से उसकी सत्यवादता को परखने वाले प्रश्न पूछ सकते हैं, नंबर 1। और जो उसका सेकंड पॉइंट बोल रहा है उससे ये पूछ सकते हैं टू डिस्क्लोज हु ही इज, कि वह कौन है और उसमें उसकी जीवन में उसकी स्थिति क्या है, टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट हिज पोजीशन इन द लाइफ, और जीवन में उसकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। तीसरा पॉइंट 146 का बोल रहा है टू शेक His credit by injuring his character, उसकी टू शेक his credit, यानी कि उसकी विश्वसनीयता को परखने वाले प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो 3 चीज हो गई, सत्यवादता परखने वाले प्रश्न, नंबर 2 वह कौन है, जीवन में उसकी स्थिति क्या है, और नंबर 3 उसकी विश्वसनीयता को परखने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तीनों ही सेक्शन 146 में दे रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करें, विटनेस टू करेक्टर में क्रॉस एग्जामिनेशन, सेक्शन 140 में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति शील से संबंधित कुछ एविडेंस देने आया है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन विच इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस, उस पक्षकार से ऐसे विटनेस भी पूछे जा सकते हैं जो उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं, सेक्शन 155। सेक्शन 155 के अंतर्गत उस विटनेस से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं, उसके चेक करते हैं। सेक्शन 144 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का या ग्रांट का कुछ ऐसे एविडेंस देने जा रहा है और यदि वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, तो उससे जो आपका जो पार्टी वो ये कह सकती है कि पहले आप उसका ओरिजिनल चीज लेके आइए तो ही आप इसे दे सकते हो। तो सेक्शन 144 वैसे ज्यादा लिंक नहीं कर रहा है, तो ये आपके
हमने क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो समझे। अब हम बात करते हैं कि री एग्जामिनेशन में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नंबर वन है, नो न्यू मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस इन री एग्जामिनेशन, कि री एग्जामिनेशन में सामान्यतः कोई भी नई चीज नहीं उठा सकते हैं। यदि आपको नई चीज उठानी है तो उसके लिए पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब पहले चीफ हो गया फिर क्रॉस हो गया, तो क्रॉस के बाद जो री हो रहा है तो री में नॉर्मली री का उद्देश्य होता है क्रॉस में जो बातें हुई है उसको स्पष्ट करना, उसकी इरेगुलर जो आपकी असंगतता उत्पन्न हो गई या संदिग्धता उत्पन्न हो गई तो उस इरेगुलरिटी को, उस इनकंसिस्टेंसी को उसको स्पष्ट करना मेन उद्देश्य होता है। तो सामान्यतः कोई नई बात नहीं पूछ सकते हैं, परंतु यदि आपने री एग्जामिनेशन में न्यायालय की परमिशन ले ली तो आप नई बात भी उसमें पूछ सकते हो। चूंकि नई बात पूछ रहे हो तो वो री एग्जामिनेशन एज अ चीफ काम करेगा वो। अब चूंकि वो चीफ हो गया तो विरोधी पक्ष का फिर दोबारा से क्रॉस कर सकता है। अब दोबारा से ध्यान से समझिए कि सामान्यतः री एग्जामिनेशन में नई बात नहीं पूछ सकते, नई बात नहीं ला सकते हो, परंतु न्यायालय की अनुमति से नई बात भी इसमें आ सकती है। और यदि री एग्जामिनेशन में कोई नई बात आ गई है तो फिर उस नई बात का विरोधी पक्षकार फिर क्रॉस कर सकता है। तो ये नई स्टेज जहां पे जुड़ गई, तो सबसे पहले चीफ हुआ, फिर चीफ का क्रॉस हो गया, क्रॉस का फिर री हो गया, फिर री का भी क्रॉस हो सकता है उस स्थिति में जब उसमें नई बात न्यायालय की परमिशन से आ जाती है। तो नो न्यू मैटर इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट परमिशन ऑफ कोर्ट, और यदि आ गया तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। एक और पॉइंट इसमें कि री एग्जामिनेशन में भी लीडिंग क्वेश्चन यानी कि सूचक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, परंतु न्यायालय की अनुमति से यहां भी पूछ सकते हैं। तो ये हमने जनरल वे में समझा, काफी सेक्शन इसमें टच हो गए हमारे, जो हम आगे जब आप एविडेंस एक्ट पूरा पढ़ लोगे फिर दोबारा से इस लेक्चर को देखना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें यहां पर समझिए कि इन परीक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ये समझते हैं कि इन परीक्षाओं में कौन से प्रश्न नहीं पूछ सकते, या फिर इसकी सीमा क्या है। सीमा तो हमने ये समझ ली कौन से पूछ सकते हैं, अब कौन से नहीं पूछ सकते। तो वो प्रश्न नहीं पूछ सकते जो बिना किसी युक्ति युक्त आधार के हैं। सेक्शन 149 कहता है क्वेश्चन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड कैन नॉट बी आस्क्ड। सेक्शन 151 ये कहता है ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं जो अशिष्टकारी हैं या जो कलंकात्मक है, यानी कि अशिष्टकारी और कलंकात्मक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। सेक्शन 151 इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सेक्शन 152 ये कह रहा है कि ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं जो अपमानित करने वाले हैं या क्षुब्ध करने वाले हैं, तो ये प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो नॉर्मली हमने समझ लिया कि मुख्य परीक्षा क्या होती है, क्रॉस क्या होती है, री क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या है, इनमें कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं, कौन से प्रश्न नहीं पूछ सकते, और इसका एरिया क्या है, स्कोप क्या है। तो इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीडिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।